नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चुबर। आइए रुक करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में एक युवक ने तलवार लहराते हुए घर में घुसकर महिला के साथ जमकर मारपीट की और सारा घर का सामान तोड़फोड़ कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक गांव में रहने वाली 5 बालिकाओं ने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित बेटियों का आरोप है कि उनका पिता शराब के नशे में लंबे समय से उनका शोषण करता था। इसी वजह से परेशान होकर बेटियां घर से भाग निकली, जिसके बाद वह महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी से मिली और आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस रैंकर्स, उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के पदों में भर्ती की अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को होने वाली विभागीय पदोन्नति में सशर्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने इन भर्तियों पदों पर कुछ कारणों के चलते रोक लगाई थी, लेकिन अब न्यायालय ने इसमें अपनी सहमति जाहिर की है। रुद्रपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने बीते दिन पुलिस लाइन की एमटी शाखा का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन शाखा में वाहनों की सफाई को लेकर अनियमितताएं पाई गई। वहीं परिवहन शाखा में गंदगी भी पाई गई, जिस पर एसएसपी ने लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर उप निरीक्षक आनंद सिंह बिष्ट को निलंबित कर दिया है। चमोली में ऋषि गंगा जल प्रलय के 13वें दिन भी तपोवन सुरंग से मलबा पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। वहां अभी तक 161 मीटर तक ही सुरंग का मलबा हटाया गया है। सुरंग में पानी का रिसाव थम नहीं रहा है। पानी के रिसाव के लिए 2 पंप मशीनें भी लगाई गई हैं। सुरंग से मलबा हटाने का काम अब सिर्फ दिन में ही हो रहा है। शुक्रवार को टनल से कोई भी लापता नहीं मिला, लेकिन बृहस्पतिवार रात को हेलंग के पास से एक शव बरामद किया गया है। अब आपदा में बरामद शवों की संख्या 62 हो गई है। चमोली जिले में धौली गंगा और ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी प्राकृतिक झील को लेकर इन दिनों सरकारी विभाग विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि झील की गहराई का पता लगाने के लिए उसमें राफ्ट उतारी जा रही है। अभियान दल के पास गहराई की थाह लेने के लिए झील की सोनार कार्यविधि और फिर झील में राफ्ट उतारने का विकल्प है। सरकार दोनों ही विकल्पों पर विचार कर रही है। एसडीआरएफ को राफ्ट झील स्थल तक पहुँचने के निर्देश जारी हो गए हैं। अब जल्द ही झील की गहराई का पता चलेगा। बिहार के बिदुरपुर थाना क्षेत्र में 28 जनवरी को दिन दहाड़े एक बैंक में हुई लूट के बाद नैनीताल पुलिस ने एक आरोपी को भीमताल से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी विनोद कुमार सिंह उर्फ बब्बू साहब ने बिहार के एक्सिस बैंक में 40 लाख की लूट को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी को लेने के लिए वैशाली पुलिस हल्द्वानी पहुंची है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैशाली ले जाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव वन्य जीवन संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच यहां पिथौरागढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल यहां बीते दिन खेत में घास काटने गई एक महिला को गुलदार ने निवाला बना लिया। गुलदार के हमले से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत व आक्रोश का माहौल व्याप्त है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसी बीच हरिद्वार जिले से एक खबर सामने आ रही है। यहां पेट्रोल के दाम 100 के पार होने पर 130 पेट्रोल पंप बंद करने की बात कही जा रही है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर लगी डिस्प्ले यूनिट में 4 डिजिट से ज्यादा नंबर फीड ही नहीं हो सकते। ऐसे में आखिरी दाम 99.99 रुपए ही फीड किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा का केस देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि देश में पहली बार एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह महिला और कोई नहीं बल्कि शबनम है। शबनम को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में फांसी दी जा रही है। मथुरा जेल प्रदेश की एकमात्र जेल है जहां एक महिला फांसी घर बना है। बताया जा रहा है कि यह फांसी घर 150 साल पुराना है। इसे 1870 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जे जे एन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।